नमन और सुनीना आ रहे एक दूसरे के करीब, नमन ने कर दिया है प्यार का इजहार। जी हाँ, नमन जंगल में कहता है सुनीना को कि मैं अगर तुमसे कहूँ कि मुझे पंकजा से शादी नहीं करनी लेकिन तुमसे शादी करनी है तो तुम्हारा जवाब क्या होगा। और तो यहाँ पर सुनीना है वो चौंक जाती है कि आखिरकार नमन जी ऐसी बहकी बहकी बातें क्यों कर रहे हैं। लेकिन अब नमन है वो अपने प्यार का इजहार करने वाला है सुनीना के सामने, लेकिन सुनीना अपनी बहन पंकजा से डर रही है इसलिए अपनी फीलिंग्स को अंदर ही अंदर छुपा देगी और नमन के सामने शायद इनकार कर सकती है। लेकिन नमन है वो तो भर देगा सुनैना की मांग और देखती रह जाएगी पंकजा। पर यहाँ पर सुनैना की माँ को भी पता है कि नमन जब जब सुनैना के साथ था तब तब सुनैना को कुछ हुआ नहीं, यानी कि वो उसका सुरक्षा कवच है और वो दोनों साथ में रहेंगे तो बाबू साहेब भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे और महारानी की भी हर एक साजिश है वो नाकामयाब हो जाएगी, जिसके चलते वो तो बहुत खुश होने वाली है। लेकिन अब बाबू साहेब और महारानी पीछे पड़ने वाले हैं नमन और सुनैना दोनों को। ऐसे में यहाँ पर पंकजा है वो बीच में अपनी टांग अड़ाएगी और सुनैना नमन के रिश्ते को खराब करने की पूरी कोशिश करेगी। देखना इंटरेस्टिंग होगा कि आखिरकार नमन और सुनैना का शादीशुदा रिश्ता क्या मोड़ लाता है। वेल, आप कितने एक्साइटेड होंगे सुनैना और नमन की शादी को देखने के लिए जरूर बताएं। और न्यूज़ अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए।